मंकी दुनिया के सबसे फनी, इंटेलिजेंट और ताकतवर जानवरों में से एक है। बंदरों के हाथ पैरों में इंसानों की तरह यूनिक फिंगरप्रिंट्स होते हैं। इनके पास बहुत बड़ा दिमाग होता है इंसानों की तरह। ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। बंदरों और इंसानों में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो एक दूसरे से मेल खाती है। बंदरों की कुछ प्रजातियां जमीन पर रहती हैं जबकि कुछ पेड़ों पर। पूरी दुनिया में 260 तरह के बंदर की प्रजातियां हैं जिन्हें दो हिस्सों में बांटा गया है, एक नई दुनिया के बंदर और दूसरे पुरानी दुनिया के बंदर। नई दुनिया के बंदर अमेरिका महाद्वीप में रहते हैं जबकि पुरानी दुनिया के बंदर अफ्रीका व एशिया में रहते हैं। बंदर पेड़ पौधों से मिलने वाली हर चीज खाते हैं और इनके अलावा बंदर की कुछ प्रजातियां कीड़े मकोड़े, गिरगिट वगैरह खाती है। बंदर की लगभग हर प्रजाति ग्रुप बनाकर रहती है। दुनिया में सबसे ज्यादा क्यूट और सबसे छोटे बंदर पिग्मी मार्मोसेट है। अगर आप इस बंदर के बारे में और ज्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो मैंने उस पर पहले ही एक वीडियो बना दिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। और दुनिया के सबसे ताकतवर बंदर मेंडेल बंदर होते हैं। IUCN के अनुसार ये बंदर असुरक्षित है। ये दुनिया के सबसे बड़े बंदर है जो सिर्फ आपको अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट में मिलेंगे। इनकी आबादी लगभग 3000 ही है। इंडिया में पाए जाने वाले बंदर मेकाक है जिनकी 6 प्रजातियां यहाँ रहती है। इन्हें तो आप भली बात ही जानते हो, शरारती, मजाकिया, खतरनाक, और इनके आतंक से तो आप पूरी तरह से वाकिफ होंगे। ये बंदर आपको शहरों और जंगलों दोनों में मिल जाएंगे। और जो ये काले मुंह के लंबी पूंछ वाले लंगूर होते हैं, ये पुरानी दुनिया के बंदर है। दुनिया में सबसे ज्यादा बंदर ब्राजील, मेडागास्कर, इंडोनेशिया और कोंगो में पाए जाते हैं। एप्स और लेमूर दो अलग प्रजातियां हैं, ये बंदर नहीं होते हैं। वैसे तो बंदर पूरी दुनिया में पाए जाते हैं पर यूरोप में बंदरों की सिर्फ 3 प्रजातियां ही निवास करती है, वो भी सिर्फ कुछ गिने चुने देशों में। इसके अलावा यूरोप के कुछ देशों में तो बंदर पाए ही नहीं जाते। आपने बहुत से बंदरों को देखा होगा जो एक दूसरे के बालों में कुछ करते रहते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपस में साफ सफाई करके स्वस्थ रहे और रिश्ते भी मजबूत बने रहे। एक हाउलर मंकी की आवाज को तुम 5 किलोमीटर दूर से भी सुन सकते हो। इसकी आवाज वाकई में बहुत तेज होती है। क्या आपको पता है बंदरों को गर्म पानी में आराम करने का शौक है? ये बहुत अजीबोगरीब बात है पर जापान में पाए जाने वाले स्नो मंकी गर्म पानी में आराम करने का लुक उठाते हैं। अगर आप इस बंदर के बारे में और ज्यादा रोचक बातें जानना चाहते हो तो मैंने पहले उस पर एक वीडियो बना दिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। बंदरों की कुछ प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर है। कारण हम इंसान ही है। तुम्हें बुरा लगे या ना लगे, मैं तो बता दूं कि हम इंसानों की वजह से बहुत से जानवर आज खतरे में हैं। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार बंदरों की 25 ऐसी प्रजातियां हैं जो लुप्त होने के कगार पर है। बंदरों की कुछ प्रजातियां ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ यूनिक लोकेशन पर रह सकते हैं, पर इंसानों की उन इलाकों में बढ़ती गतिविधियों ने उन बंदरों को खतरे में डाल दिया है। लोग बंदरों को पकड़ते हैं पालने के लिए, उनके मांस के लिए और कुछ दवाइयां बनाने के लिए। अगर हम बीमार हो रहे हैं तो वो हमारी गलती है, फिर हम इन बंदरों को क्यों मार रहे हैं दवाइयों के लिए? आप मानो चाहे ना मानो पर इंसान ही वो प्राणी है जिसकी वजह से हजारों जानवर खतरे में हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आज आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको बंदर पसंद है या नहीं और बंदरों की सबसे मज़ेदार बात आपको क्या लगी। इस चैनल पर जाकर देखिए, वहाँ पर जानवरों से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिनसे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा।